चुनाव बहुत सामने हैं, तो ऐसे में आप जाते हैं बागपत में, आसपास के इलाकों में जाते हैं, वहां पर लोग क्या बताते हैं? 9 साल बेमिसाल करके केंद्र की सरकार लगातार अभियान भी चला रही है, आप भी इसमें लगे होंगे, किस तरीके से फीडबैक मिल रहा है, लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या बन रहा है इधर? हमारी सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर काम किया है। लोगों ने उसके परखा है और जाना है। वो अभी जैसे सोमिंदर भाई जी बता रहे थे, 17 की 17 निगम हमारे जीतने का एक सबूत है। आने वाले दिनों में हमारे लिए अच्छा माहौल है, पार्टी के लिए अच्छा माहौल है, और आदरणीय योगी जी को और आदरणीय मोदी जी को आम जन ने पसंद किया है। सर, 1988 में अगर मैं गलत नहीं हूँ, सभासद आप बने नगर पालिका के, और उसके बाद नगर पालिका चेयरमैन भी आप रहे हैं, और MLC भी आप रहे हैं, और उसके बाद राज्य मंत्री बनने तक का सफर, जो परेशानियां पहले थी, जिन परेशानियों से दो चार आप होते थे या फिर आपके क्षेत्र की जनता होती थी तब 1988 में या फिर उसके बाद भी, उन परेशानियों का निस्तारण कर पाए हैं आज के डेट में, या फिर आपकी सरकार कर पाई है? आधुनिकता बढ़ी, भौतिक युग बढ़ा और दिक्कतें भी बढ़ी, पर अच्छी बात है कि जो जो दिक्कतें बढ़ी उनका समाधान सरकार के द्वारा तुरंत कर दिया गया, और आने वाले भविष्य को देखते हुए और दिक्कत और आधुनिकता को देखते हुए हम और सरकार इस मामले में सचेत है। जो जो परेशानियां होगी उसे दूर करने का काम आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी करने का। अच्छा, खबर ये भी हम नोएडा में सुनते हैं कि KP मलिक जी का स्वभाव ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि भले ही सरकार से नाराजगी हो लेकिन अपने क्षेत्र में लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, और वो कहते हैं कि हम तो इन्हीं को जिताएंगे, ऐसा क्या है सर? आप, मैं राजनीति कम करता हूँ, भाईचारे का संदेश ज्यादा देने का काम करता हूँ। मेरी पसंद बाकी बाद में है, इंसानियत पहले है। वही वजह है, ना कोई पार्टी का विषय, ना कोई बिरादरी का विषय, ना कोई धर्म का विषय, केवल केवल भाईचारे का विषय मेरे और रामजनों के बीच में है। तो अगर इतना प्यार लोगों का मिलता है अपने विधानसभा क्षेत्र में, या फिर मंत्री बनके अगर आप कहीं पर भी जाते हैं मंत्री के तौर पर, तो लोग प्यार करते हैं, तो उम्मीदें और आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सोमेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है सर, सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी सरकार की, जिसके बलबूते आप जाएं बीच में लोगों के चुनाव के प्रचार में, तो आप कह पाएं कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये हम ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता? देखिए, मैं डेवलपमेंट की बात करूं, यदि देश का विकास और सभी लोगों को साथ लेके चलने की जो सरकार की नीति है, हम लोग सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी नीति है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर का क्या है स्टेटस यूपी में? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की देवतुल्य जनता जानती है कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश को सभी ने देखा है, और हम लोग क्योंकि मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ में जिस तरह की हालत कानून व्यवस्था की और राजनीतिक संरक्षण में जिस तरह से अपराध होता था, उस अपराध को खत्म करने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। आज मेरठ और उत्तर प्रदेश बदल रहा है और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इससे पहले सत्र हुआ था, मेरे दो सहयोगियों ने जो गेस्ट आए हुए थे उनसे सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर होते हैं वो मेरठ में ही होते हैं यूपी में, ये आपके लिए अच्छा है या फिर क्या है जिस तरीके से एनकाउंटर्स होते हैं? देखिए, जहां जहां क्राइम है, अकेले मेरठ नहीं, मैं कह सकता हूं कि जहां भी अपराधी है और अपराधी अपराध करता है तो कानून अपना काम करता है। पिछली बार के चुनाव में कहा गया KP मलिक जी कि मेरठ में या फिर पश्चिमी यूपी में जो चुनाव होता है, पिछली बार के चुनाव में 2019 में लोगों ने ये महसूस किया, राजनीतिक विश्लेषक भी ये कह रहे थे और जो राजनीति के जानकार हैं वो भी ये कह रहे थे कि चुनाव जो हुआ वो मोदी समर्थन और मोदी के विरोध में हुआ, इस बार भी यही माहौल है या फिर क्या है सीन? जब 2019 का चुनाव हुआ तो ये कहा गया, राजनीतिक जानकार ये कहते रहे कि मोदी समर्थन और मोदी विरोध में चुनाव हुआ और इसीलिए जीत मिल गई मोदी के नाम पर BJP को, इस बार क्या है सीन यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? इस आमजन ने, सम्मानित मतदाताओं ने इतने लंबे अरसे के बाद तौर तरीकों को पहचाना, आदतों को पहचाना, और ये जाना कि इस हिंदुस्तान का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किसने किया, इस उत्तर प्रदेश की शान किसने बढ़ाई, तो ये मानते हुए और वो अपनी शान और गौरव के लिए
फिर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का काम करेंगे। दोबारा से बीजेपी पर ही भरोसा? पक्का पक्का पक्का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।